हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का पेपर वन का हम लोग सेकंड शिफ्ट देखने वाले हैं 2 दिसंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आया हूँ। ये जो 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आपको पूरा का पूरा आंसर की प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ के साथ साथ। अगर पूरा आप वीडियो देखते हो तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 12, 10, 14, 36, उसके बाद क्या था, 18 और 324। तो इसका आंसर आ रहा था 108। तो आपका क्या आंसर आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायर एजुकेशन में क्या क्या दिक्कत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूजीसी इसको क्या समझता है, मेरे हिसाब से तो ये इक्विटी होती है टीचिंग लेवल। टीचिंग लेवल अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है तभी आपकी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पूछा था जो आईसीटी से रिलेटेड था, जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर पूछे कि जावा, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीआई बेस्ड था जो परसेंटेज से था, डीआई जो बेस्ड हो रहा था वो परसेंटेज से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी है, तो हमारे उसके गोल कितने पूछे गए थे, गोल कितने हैं, तो 17 गोल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर, कौन सा ऐसा रिसर्च है जो साइक्लिक होता है नेचर में। तो नेचर में अगर साइक्लिक कहें तो एक्सेंट रिसर्च बोला जाए तो यूजीसी इसको सही मान सकता है, क्योंकि एक्सेंट रिसर्च हमारा साइक्लिक रिसर्च होता है नेचर में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है, बींग वेब ब्राउजर हो जाएगा। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से इस वीडियो में। तो एथिक्स देखिए, पढ़ लीजिए इस बार इसको। एथिक्स क्या है, एक मॉरल प्रिंसिपल दैट अ पर्सन मस्ट फॉलो। सभी को पता है फ्रेंड्स कि एथिक्स, कोई भी एथिक्स हो, हमें हमारे जितने भी मनुष्यों को, सभी को एथिक्स उस मॉरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग। बिहेविंग एथिकली इन्वॉल्व्स डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। रिसर्च एथिक्स फोकस ऑन द मॉरल प्रिंसिपल दैट रिसर्चर मस्ट फॉलो इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये एथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीति आयोग से रिलेटेड था, तो मैंने बता दिया था कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में, ठीक है। और मैं बता दूँ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग पूछा था कि सर्च इंजन कौन सा है। तो सर्च इंजन हमारा बहुत सारा है, गूगल क्रोम है, बिंग है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सर्च इंजन है, जहाँ पे हम लोग सर्च करके कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं हमारे मतलब देखने के अनुसार, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती, इफेक्टिव टीचिंग हम इसका आंसर मैं बता दूँ इफेक्टिव टीचिंग के अकॉर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इफेक्टिव टीचर्स स्ट्राइव टू मोटिवेट एंड एंगेज ऑल देयर स्टूडेंट इन लर्निंग रेदर देन सिंपली एक्सेप्टिंग दैट सम स्टूडेंट कैन नॉट बी एंगेज्ड एंड आर डेस्टिन्ड टू डू पुअरली। दे बिलीव एवरी स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस एट स्कूल एंड दे डू ऑल दे कैन टू फाइंड वे ऑफ मेकिंग ईच स्टूडेंट सक्सेसफुल। ऑब्वियसली सभी को पता है कि टीचर को ये मन में रहना चाहिए कि हमारे हिसाब से कोई भी बच्चा गरीब या धनी नहीं है, हमारे हिसाब से सभी बच्चे एक समान है और उनको सभी को शिक्षा मिलना अनिवार्य है। तो शिक्षा मिलना और सक्सेस को पाना वो अनिवार्य रहना चाहिए हर एक शिक्षक के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम पूछा गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम पूछा था ना, क्या पूछा था इसका, तो देखिए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस ही होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम करता है सिर्फ ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि उसके ही अंदर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस आते हैं। आईसीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आईसीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी नहीं, इसका आंसर मैं बता दूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात किया गया था क्वेश्चन में, तो वो पाइथन ही है, ऊपर में मैंने बताया था आपको। पिच पर प्रश्न था, तो पिच किसके ऊपर, पिच देखिए जो कम्युनिकेशन होती है, पिच जो कम्युनिकेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग पिच बनता है। तो पिच बताया गया था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में बता दूं आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन 3 कैटेगरीज, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। बहुत ही सिंपल सी बात है कि क्लासरूम में अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू सेंडिंग और रिसीविंग ए मैसेज थ्रू साउंड्स एंड लैंग्वेज।
टीचिंग टीचर्स कैन एड्रेस वन स्टूडेंट और द होल क्लासरूम थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं रिसर्च के प्रॉब्लम के। तो अब मैं बता दूं कि कुछ भी रिसर्च करने के अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए फाइंडिंग समथिंग, तो फाइंड करना है कुछ चीज़ को, उसको रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग ढाल देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफ्रेजिंग क्या है। तो पैराफ्रेजिंग हम लोग कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैराफ्रेजिंग एक रिपीटिंग इन योर वर्ड्स व्हाट यू इंटरप्रेटेड समवन एल्स टू बी सेइंग। पैराफ्रेजिंग इज पावरफुल मीन्स टू फर्दर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन एंड योरसेल्फ एंड कैन ग्रेटली इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ अदर्स ऑन अदर्स कमेंट्स। इट कैन ट्रांसलेट कमेंट्स सो दैट इवन मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड देम। ऑब्वियसली पैराफ्रेजिंग जो आप बोल रहे हो, काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर लेता है। क्वालिटेटिव से भी प्रश्न पूछे गए थे, नॉर्मल ऑर्डिनल स्केल के ऊपर था। तो देखिए नॉर्मल ऑर्डिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल इज अ नेमिंग स्केल वेयर वेरिएबल्स आर सिंपली नेम्ड और लेबल्ड विथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल हैज ऑल इट्स वेरिएबल इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बियॉन्ड जस्ट नेमिंग देम। इंटरवल स्केल्स ऑफर लेवल ऑर्डर एज वेल एज अ स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन ईच ऑफ इट्स वेरिएबल ऑप्शंस। सो मैंने इसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नालंदा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिसी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्मेंस टेस्ट। तो फ्लीटिंग क्या, अगर एक क्षण भंगुर हो जाएगा हमारा एक परफॉर्मेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, समरी डन बाय टीचर एट द एंड इज नोन एज क्लिष्ट कंक्लूजन। ऑब्वियसली से निष्कर्ष निकालना, तो समरी डन बाई टीचर्स ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ द रेशियो इज 3:7 बट आफ्टर एडिंग 9 टू इट इट बिकम 9:17। ऑब्वियसली रेशियो के अकॉर्डिंग इसको एक्स एक्स डाल लीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो 3:7 ऑब्वियसली इसमें देखिए क्या करना है आपको, 3:7 में 9 ऐड कर देना है, 9 ऐड कर देना है। मैंने एक्स एक्स पकड़ लिया दोनों को और 9:7 इसको ऐड कर देना। देखो तो बस इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो 12x इज इक्वल टू 72। 72 के बाद आता है x का वैल्यू आ गया 12×6=72, तो 6 आ जाएगा आंसर। अब 6 को अगर हम लोग इससे गुणा करें तो 3×6=18 और इसमें 6 को गुणा करने से 42, तो 18 और 12 42 इसका आंसर हो जाएगा। विद द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च इज देयर व्हेन द स्टोरीज ऑफ पीपल आर रिटन एंड एक्सप्लोर्ड। सो अभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेटिव रिसर्च। क्या हो जाएगा, नरेटिव रिसर्च। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग कैसे हम लोग आंसर करेंगे, रैम रोम और वर्ल्ड वाइड का। तो रैम क्या होता है, एक वॉलेटाइल हो जाता है जो फटाफट, मतलब ये टेम्प्ररी मेमोरी है सो ये जल्दी उड़ जाता है। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि ये नहीं उड़ता है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, सभी को बता दूं मैं बार बार ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आज के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैम जो वॉलेटाइल हो जाता है वो जल्दी उड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल में भी आपको रैम जब मिलता है तो 3GB 4GB मिलता है, वो क्या रैम होता है आपको मैं बता दूं, वो आपका जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में जो मिलता है 4GB रैम, तो कंप्यूटर में मिलता है 4GB रैम या 8GB रैम, आपका जो भी रैम का लैपटॉप है उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो रैम सिर्फ आपको एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए है बस, और कुछ नहीं, उसमें और कोई फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकते आप। रोम में जो एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जो रोम होता है, उसमें हम लोग अपने एक्सपेंडेबल मेमोरी के हिसाब से उसको फाइल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन एम्स टू ब्रिंग ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली AIU होगा आंसर, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये है क्या यूनिवर्सिटी जो इंडिया को एक अंदर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने के लिए यूज करते हैं। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑब्वियसली सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग इक्वल चांस बनते हैं। नॉन सैम्पलिंग होता है जो आपको इक्वल चांस नहीं मिलता है, लेकिन सैम्पलिंग में इक्वल चांस के सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका आज एग्जाम है तो आप फटाफट क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हो हमारे चैनल के द्वारा, तो अगर क्वेश्चंस कमेंट करोगे तो उसका भी आंसर मैं आप जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।